डेफिनेटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपने प्रोमोस देखे होंगे तो ही आपको लगा होगा कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बेलन का एक अहम किरदार है। बेलन का जैसे हमारे हमारे देश में स्पेशली कि औरतों की ज़िंदगी में बेलन एक अहम रोल अदा करता है, तो हमारे शो में भी बेलन अपने आप में एक किरदार है कि वो बेलन जब जब हमारी हीरोइन के हाथ में आता है तो कुछ अनोखा होता है। तो बेलन काफ़ी मज़ेदार चीज़ है और शो अपने आप में बहुत कॉमेडी शो है, मज़ेदार शो है, फैमिली एंटरटेनर है, बड़ा मज़ा आएगा सब। थपकी अलग तरह का शो था। बेलन वाली बहू जो है, ये कॉमेडी करने का हर किसी का मन होता है, तो मैं बहुत साल पहले से कॉमेडी शोज़ प्लेज वगैरह किया करता था, तो वो लेकिन कुछ सालों में वो छूट गया था। तो बेलन वाली बहू का जब कॉन्सेप्ट दिमाग में आया तो इसको जब डेवलप करने की बात आई तो वो अपना खुद का पहला प्यार भी वापस जाग गया, तो काफ़ी मज़ा आया इस शो को करने में। ये अलग तरह का काम है, मेहनत है, क्योंकि लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल काम अगर आप अचीव कर पाओ तो सबसे ज़्यादा मज़ा भी इसी में है। तो बहुत मज़ा आ रहा है इस शो को बनाने में, एंड आई एम श्योर कि लोग देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्रिस्टल को मैंने भी हमेशा बहू के रूप में और बेटी के रूप में और बहना के रूप में ही देखा है। इस शो से पहले क्रिस्टल की इमेज मेरे दिमाग में भी वही थी, लेकिन इस शो में क्रिस्टल हर किसी को चौंका देने वाली है। क्रिस्टल ने जितनी अच्छी कॉमेडी की है, मतलब शायद लोग सोच नहीं सकेंगे, और वो ऐसा लगता है कि लगता ही नहीं। कॉमेडी में सबसे ज़रूरी होता है सहजता, कि आप जब कॉमेडी करो तो एफर्टलेस हो, तभी वो सबसे अच्छी होती है। और क्रिस्टल बहुत ही सहज तरीके से इतना मुश्किल किरदार निभा रही है, क्योंकि ये किरदार मुश्किल है कि जिस औरत का पति मरा हुआ है तो वो किरदार कहीं भी इनसेंसिटिव लग सकता है, लेकिन क्रिस्टल ने इतना बखूबी वो किरदार निभाया है और इतनी अच्छी कॉमेडी की है कि सब हैरान होने वाले हैं। देखिएगा हमारा शो कलर्स पर बेलन वाली बहू, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एंटरटेनिंग कॉमेडी शो है। आपकी सारी थकान, सारी टेंशन दूर हो जाएंगी और पूरी फैमिली के साथ देखने वाला शो है, प्लीज़ देखिएगा। यार बस कर ही रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल काम है डेफिनेटली। मैं लिख भी रहा हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ, तो तीनों चारों काम एक साथ करना बहुत मुश्किल है। बट कहते हैं जब आपका मन किसी काम में लगा हो, जब पैशन हो, तो आदमी ये नहीं देखता कि मुश्किल कितना है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा मन लगा हुआ है, तो अभी तक तो हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं एक्चुअली बोलूँ तो राइटिंग और एक्टिंग दोनों, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर पेपर पर अच्छा नहीं लिखा हो तो अच्छा बनाना हमेशा मुश्किल होगा। एक्टिंग बहुत सालों के बाद कर रहा हूँ तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरा जो राइटिंग का पैशन है वो उतना ही हावी है। मैं पेपर पे अच्छे से अच्छा लिखना चाहता हूँ ताकि जब परफॉर्म करो तो कोई कमी ना हो।